मेरा फैन थोनू जा मेहनत करता दिखू जा थोनू जिम च दिखू। दिलो कह रहे हैं तुसी सारे इत्थे आ मेरे लिए बहुत बड़ा माण है, तुसी सारे अपनी मेहनत दी कमाई। भाई साहब वो भाई मेरा तो हाथ भर गया मच्छर से। भाई सिस्टम खराब हो रहा है हमारे घर में। भाई मैंने तुम्हें दिखाया था पूरी गर्दन भर दी है, देखो बाइसेप पे काट गया, ये हाथ पे काट गया है, गंदे गंदे मच्छर आ गए, पता नहीं क्या सिस्टम खराब हो गया हमारे घर का। मच्छर तो आए हैं, कल रात को हमें वो भागना पड़ा। ये देखो उंगली कट गई थी खाना बनाते हुए जो मैंने तुम्हें दिखाया था, और कटी ऐसी है। इंजेक्शन पूछा मैंने, टेटनेस टिटनेस क्या होता है वो, टेटनेस टिटनेस टेटनेस होता है शायद, टेटनेस का इंजेक्शन लग रहा। भाई कहता $250, $250 क्यों, $100 डॉक्टर की फीस थी और पता नहीं क्या था। यहाँ ऐसे नहीं होता, गए भाई या मैं चोट लग गई, टेटनेस का इंजेक्शन लगा दो ₹20 का, मान तो तुम ₹20 भी मत दो तो भी चल जाएगा। यहाँ तो ऐसा होता है कि मतलब देने ही पड़ते हैं, सिस्टम सेट करना पड़ता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हमारा रुद्रांश भाई है उनके लफड़े होते ही रहते हैं, उनके लफड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है, गिव मी लास्ट हैपेंस इन द बट। ये क्या सिस्टम है भाई, क्या सिस्टम जोड़ रखा तुमने भाई, मैं तो नहीं भाई मेरी जैकेट क्यों पहन रहा है भाई, मैं भाई दे ना, भाई दे दो यार क्या दे दो जैकेट। चल बहुत जब बहुत ज्यादा भाई मेरे तो ऐसा लग रहा है कुछ क्या एलर्जी हो गई है यार, कोई दवाई वाई दे भाई। ये सो देखो भाई, गया देखो खून वून भी निकल जाता है। तुम्हें लग रहा होगा मच्छर से डर रहा हूँ, मैं मच्छर से नहीं डर रहा, मैं मेरे को डर ला डर 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि मतलब आखिरी दिन ना आ गए हमारे। चो को भी मच्छर काट रहा है, मेरे को तो लग रहा है मच्छर काट गया, जहरीला मच्छर है भाई, मतलब ग्रीन ग्रीन मेरे कलर तो का खून ऐसा, निकाल दिया उसने। खून तो निकाल लिया, ग्रीन कलर का ऐसा गंदा मच्छर था, लीचड़ था, 25 तो पैर थे उसके, 14 पंख थे। एक बार गुब्बारा फुला दे प्लीज, एक बार फुला दे मजा आ जाएगा। एंचो $25 के गुब्बारे का पैकेट लेके आया है, ये $25 में खाना आ जाता, बिरयानी आ जाती एक के साथ एक फ्री वाली, 4 बिरयानी आती। बहुत पैसा नवीन भाई पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हो गया, देख क्यों रहा है, डर डरता बहुत है यार यार रुद्रांश, पता नहीं क्यों डरता है मेरे से इतना। ये देखो खड़ा हुआ है। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 9:07 एग्जैक्ट टाइम पे, आज पहली बार बस लेने आ गए हैं, एक बस छोड़ के। हाँ भाई गंजे क्या जा रहा है। सो गाइस आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं पे काम करने, जॉब पे अपनी, लेकिन उससे पहले बताएंगे तुम्हें हम कहाँ जॉब वॉब का क्या सीन है हमारा, कभी टाइम आने पे बताएंगे, सही टाइम आने पे आए, तब तक बस ही लेते रह जाएंगे हम। और मैं क्या कह रहा हूँ कि आज की व्लॉग ऐसी होने वाली है ना तगड़ी, एकदम एकदम तगड़ी कंचा, क्योंकि आज तुम्हारे भाई जा रहे हैं परमीश भाई के शो में। कहाँ जा रहे हैं, शो में। लेकिन सीन ऐसा है कि भाई शाम को आएंगे हम घर, उसके बाद आते ही तैयार होना है, कपड़े भी नहीं डिसाइड अभी, पैंटे भी गीली पड़ी हैं उनको भी क्विक ड्राई मारना है, पैंटी नहीं पैंटे जीन्स, और उसके बाद फ्रेश तो दे ये दूर का है खड़े हो, और उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद चलेंगे शो में। तो अब देखते हैं, अभी हम कहीं शायद नाश्ता करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने तगड़ा सा कुछ कैफे कुफे में, फिर चलेंगे मस्त बातचीत करने। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। ओके भाई मिलते हैं। मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा भाई सुबह सुबह 9 बजे कहीं जा रहा हो, वरना मजाल है जो मैं उठ जाऊँ 4 बजे से पहले, 5 बजे 3 बजे तुम्हारा भाई सेट उठता है बेड से 3 बजे उठता है, और उसके बाद निकल जाता है बाहर 4 बजे तक, 1 घंटे में नहा धो के रेडी हो गए। 5 बजे उठता हूँ, ब्रह्मदेव की पूजा करता हूँ, उसके बाद तू उठ के पूजा करता है। मुझे एक बात बता, जब से तू इस नए घर में शिफ्ट हुआ है मंदिर भी सेट करा तूने,
भाई मंदिर दिल भी होना चाहिए तू यार, तुम्हारी सोच ही नहीं है। कम बोला कर, तू कम कम बोला कर। तुम नीचे कमेंट करके बताओ मोटो व्लॉगिंग करें या ना करें। अगर तुमने 100 कमेंट कर दिए तो कल ही तुम्हारा भाई मींस मेरा पापा नई बाइक दिलवा देंगे यहाँ पे। और तेरे को पता है जिस बस का तू वेट कर रहा है वो डिपार्टेड 5 मिनट्स अगो है। बेटे कैब बुक करा ले प्लीज, मुझे तो लेट नहीं हो रही, मैं तो अभी चाय नाश्ता करूंगा बाहर। तो देखो अभी जैसे रूबीकॉन भी आ गई। दिल्ली में सारी फैसिलिटीज है, नीचे उतरो गाड़ी दोस्त। रेंट ही इतने है, रेंट ही मार जाता है। मेरा सच्चा यार यही है बस, इसके सिवा मेरा कोई यार ही नहीं है, पक्का है यार, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात हो। देख लो सो हेलो गाइस, कितनी तेज आवाज गूंज रही है, राज्य आ चुके हैं। अबे यार बस आ गए भाई, कोई चैन से बैठने ही नहीं देता यार। तुम कहोगे बार बार ये बंदा यहीं पे बस चालू करता है। ये देखो बस आ गई, ये तो TTC है ब्रो। हाँ वो कहाँ है प्रेस्टो। तो गाइस राज्य आ चुके हैं, बस में बैठ गए हैं, $2.5 भर गए ढाई नहीं पांच ढाई मेरे ढाई इसके मेरे तो फ्री है भाई। तेरा फ्री है क्यों? मेरे पास है, जिसने पास ले रखा है ट्रांजिट पास, मस्त एकदम। आज बड़े दिनों बाद ड्रायर मारा है। नीचे कमेंट करके बता दो राज्य लग रही है कैडे भाई, कपड़े ही नहीं मिले, बड़ी देर हो गई थी। जॉब से आगे जीने आए हैं, बहुत बुरे रहते हैं, नींद आ जाएगा। वो तो उन्होंने सुबह देख ही लिया था जॉब वॉब का सीन, पर इनको कभी बाद में दिखाएंगे। आप तुम्हें आज पार्टी में लेके जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता पार्टी कैसे होने वाली है, क्योंकि 9 बजे का तो टाइमिंग ही था, टाइम पे कौन जाता है, हम वैसे ही लेट हो गए। 2 बजे हमने फिर छोड़ दिया आज, क्योंकि हम लेट रहे स्कूटी पे थे, परवीज भाई स्कूटी पे थे, स्कूटी पे बेटे वैगन से आऊंगा यार। अबे यार बैंडेड भी रह गई। रब करे
वाहेगुरु थोड़े सारे दे सपने पूरे करे, तुसी छिछदी पक्के हो, तुसी सेट हो, बहुत खुशी है तुहानू सारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आम जे मुंडे थोड़े सारे, आम जे मुंडे भाई जी, डीजे डीजे वीरे, आम जे मुंडे।
अज मैं कहना मेरे नाल फोटो करा। अज दादा जी आए ने इंडिया तो कल हना उन्हां दा बर्थडे आ, क्या वा मेरे लिए देख के नी माण दी गल समझना मैनू, मैं मेरे लिए सच्ची बहुत वड्डी गल आ। मैं बहुत लोगों नू देख के उन्हां दी मेहनत देख के उन्हां दी हसल देख के उन्हां दी स्टोरी देख के मैं पूरी। हाँ तो भाई राज्य आ गए हैं कॉन्सर्ट में से। तो भाई बीच में ना ऐसा सीन हुआ, भाई सोए नहीं है, दो दिन सोए नहीं है। सुनो परवीज भाई ने भाई ऐसे ऐसे करके बुलाया था, ऐसे ऐसे पूरा पूरा आई कॉन्टेक्ट हुआ भाई। मैं जैसे ही ऊपर गया वहां जाके फिर बहुत भीड़ भीड़ हो गई, फिर रोच पोच हो गई थी, दिक्कत हो गई। इसको फोन पकड़ा के गया मैं, मेरे पीछे पीछे आ वीडियो बनाता हुआ। अभी तुमने पीछे सारी वीडियोज देखी होंगी या इसके बाद देखोगे, मैं जहाँ पे भी लगाऊंगा देखो और मौज लो। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम घर जाए कैसे, क्योंकि कैब बुक कर रहे हैं राज्य, कैब आ रही है $150 फेमस हो गए हैं टोरंटो में ना, नकुल भाई फेमस हो गए। भाई तुम्हें आज एक केस बताता हूँ हुआ क्या। एक भाई आए, मैं और ये वहाँ पे क्या कहते हैं क्लब में, भाई हम हैरान ऐसे ही खड़े हुए। मैं इसको कह रहा हूँ यार हम रुक जा यार, मैं इसको कह रहा हूँ यार हम किसी को जानते तो है नहीं, हमारे जानने वाले सारे आए नहीं है, सारे घर बैठे हैं, नहीं जा रहे नहीं जा रहे। अच्छा जी, तो मैंने कहा भाई क्या करे, घर चले छोड़ क्या करे। भाई एक भाई आए कहते भाई, हाँ तो भाई ये व्लॉग बंद हो गई थी तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो भाई आए, भाई कहते तुम यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ यार पता नहीं ऐसे ही, भाई मेरे को समझ नहीं आया पहली बार बंदा ऐसे आके बोल रहा है। मैं कहा क्या क्या रिएक्शन दूँ, फिर भाई के सामने मजे आ गए। भाई लव यू ब्रो। भाई का क्या नाम था, नाम तो बता दे। पता नहीं अबे रोड अभी क्रॉस नहीं करनी। भाई का नाम था शायद से ध्रुव भाई, नीचे कमेंट कर दो भाई तुम देख रहे हो तो, व्लॉग में ले लिया मैंने तुम्हें। जानना तो उधर है हमें ना। बंदे जाना उधर नहीं है, बंदे सुबह सुबह तैयार होके जिम जा रहे हैं, हम सुबह सुबह पार्टियों में से आ रहे हैं, नल्ले बेरोजगार। भाई सुबह से हम 5 बजे से सोए नहीं है, 5 बजे के उठे हुए हैं, पहले जॉब पे गए थे, उसके बाद जॉब से आते ही 1 घंटा बस बैठे हैं, उसके बाद से निकले हुए हैं। उड़ा दे भाई उड़ा दे। चलो गाइस मिलते हैं, तुम शो एंजॉय करो परवीज भाई का, या कर लिया होगा तुमने, अब घर जाके देखते हैं क्या सीन है। भाई काटा होते हुए देख लो, 100 कह रहा हूँ, $112 की कैब हुई है, बहुत महंगी पड़ गई पार्टी। ये बैग किसका है, चाबी कहाँ गई यार, चाबी खो जाती है। मैं क्या कह रहा था कि घर आ गए हैं कैब करके, भाई मैं तो सो गया था ना, खोल ले ले चाबी लेके आए आज, क्योंकि पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ है, सेल वीक हो गए, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था भाई यार, मन में ना एक ही ख्याल आया जा रहा है बैठे बैठे शांति से, कि भाई मैं गया था ऊपर मिलने पर मीज भाई से, नीचे आ गया। फिर खोल दे यार, हरकत मत कर, पता नहीं क्या ही था वो, कैसी किस्मत थी आज, क्या ही हुआ है भाई। आज मेरी चाची की भी शादी है। चाची की शादी है तेरी, ये जूते तो ऊपर ही उतारने। आओ यार चले सोने, मिलते हैं कल सुबह।